मुंबई के बोरीवली पश्चिमी अक्सर गांव में कई साल से बीट चौकी नहीं होने की वजह से चैन स्नैचिंग जैसी घटनाएं होती रहती थी, जिससे गणपति विसर्जन के समय पुलिस बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी। जिसको देखते हुए विधायिका मनीषा चौधरी, नगर सेवक चेतन पटेल, मंडल अध्यक्ष अरविंद यादव, सहायक पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बोरीवली ठुमरे, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक पंडित ठाकरे सभी लोगों की मौजूदगी में बीट चौकी का भूमि पूजन किया गया। ये सालों से चौकी बंद था, टूटने के बाद प्राइवेट प्रॉपर्टी करके वहाँ परमिशन नहीं मिल रही थी। बाद में हमने पूरा कलेक्टर से आरटीआई से सब पेपर निकालने के बाद मालूम पड़ा कि कलेक्टर लैंड है, और कलेक्टर लैंड के बाद में अपन ने चौकी का पुनर्वसन का प्रस्ताव मुंबई महानगर पालिका आर सेंट्रल वार्ड को दिया। आर सेंट्रल वार्ड से सेंक्शन होने के बाद म्हाड़ा से परमिशन लेके आज इसका अपन भूमि पूजन कर रहे हैं। हमारे अक्सर ये हमारे मुंबई में जो भूमिपुत्रों के गांव है उसमें हमारा एक अक्सर सर्कल है, और इस सर्कल में हमारे भूमिपुत्र रहते हैं। पहले से अक्सर गांव को एक पुरातन का वारसा है। यहाँ अक्सर गावदेवी मंदिर है जो पुरातन में बोली जा सकती है। ऐसे गावदेवी मंदिर में भाविक यहाँ दर्शन करने को आते हैं। खास करके यहाँ महिलाओं की चेन स्केचिंग का प्रमाण ज़्यादा होता था। बाद में एमएचक्यू पुलिस स्टेशन के तरफ से यहाँ बीट मार्शल यहाँ खड़े रहते थे, लेकिन बारिश में धूप में उनको बैठने के लिए जगह नहीं थी, इसीलिए ये चौकी का आज हम लोग ने भूमि पूजन किया है। इसमें दो पुलिस स्टेशन आते हैं, रोड के ये साइड बोरीवली आता है, रोड के वो साइड एमएच भी आता है, लेकिन दोनों को बैठने की व्यवस्था हम लोग करके देंगे, और इस पुलिस चौकी से बहुत सारे लोगों को यहाँ से सुविधा मिलेगी।